अब बात आ जाती है कौन से टूल से शुरू किया जाए। सबसे बेसिक टूल जो है दैट इज गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स जो ऐसा टूल है जिसके अंदर आप इजीली डिफरेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, और उन कीवर्ड्स का कंपटीशन एडवर्ड्स से चेक नहीं हो सकता, लेकिन मैन्युअली कंपटीशन चेक हो सकता है। अब एडवर्ड्स के लिए मैं, अब स्क्रीन शेयर है आपके सामने है, तो मैं गूगल पे जाऊंगा एडवर्ड्स पे। जी बताइएगा जब एडवर्ड्स सबके सामने शो हो जाए। जी हो गए। मैं डिफरेंट अकाउंट करता हूँ। अच्छा, गूगल एडवर्ड जो है बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स टूल है, और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि SEM के अंदर काम आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। एक चीज़ है SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एडवर्ड्स जो टूल बेसिकली बताया गया है दैट इज़ फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में PPC कैंपेन्स होती हैं, आप पे पर क्लिक कैंपेन्स वगैरह चलाते हो, डिस्प्ले एड, टेक्स्ट एड्स, यूट्यूब एड्स, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आती हैं। हम लोग उसको यूज करेंगे फॉर SEO। ये बेसिकली टूल SEO के लिए डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, और इसमें हमने जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स में आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर के अंदर जो है, जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे कि गूगल आपकी साइट का एक डाटा जो है वो अपने पास सेव कर लेता है और एक डेटाबेस बना लेता है, ठीक है, इसी तरह गूगल के अंदर डेली जितने लोग सर्च करते हैं गूगल उन सब का डेटाबेस बना लेता है कि वो डेली क्या सर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं, और वो सारे का सारा डेटाबेस आपको इस कीवर्ड प्लानर के अंदर शो करता है। आपको बता देता है कि ये जो सर्च टर्म आप देख रहे हो इसको मंथली कितने लोग सर्च करते हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये वाला जो कीवर्ड है इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक है, ठीक है। अगर आप ये है कि एक सर्च टर्म यहाँ पे सर्च करते हो और उसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये जो मार्केट है इसमें ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ से कीवर्ड प्लानर का सिर्फ मकसद ये है कि डेली की जो भी सर्चेज हैं गूगल के अंदर वो सारी की सारी जो है उनको ये ट्रैक करता है और ये अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। यहाँ पर जो है ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया किया था हाउ टू गेट रेड। मैं सिर्फ इतना ही सर्च करता हूँ हाउ टू गेट रेड। यहाँ पर लोकेशंस आ रही हैं, ठीक है, आपने जिस कंट्री में या जिस सिटी में कीवर्ड सर्च करने हैं आप यहां से कर सकते हो। यहां पर अगर मैं लोकेशन में जाता हूँ, फर्ज करो जैसे मैंने अभी पहले बात की थी मैं लोकल SEO में काम करता हूँ, यहाँ पे शिकागो लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे शिकागो आ गया। शिकागो जहाँ जहाँ पे उसका आ रहा है डाटा ये हम लोग उसमें सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट सिटी है और डिफरेंट उसकी लोकेशन है गूगल की। जब आप यहाँ से लोकेशन सर्च करेंगे और ऊपर हाउ टू गेट रीड सर्च करेंगे तो शिकागो के एरिया में, इस स्टेट में,
जो जो बंदे ये चीज सर्च कर रहे होंगे उनका डाटा आएगा, ठीक है। मैं इतना अभी नैरो डाउन नहीं जा रहा इसके ऊपर, हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स और इसको सेव कर दूंगा। इसके अलावा आपको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है और कोई ऑप्शन या इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ नहीं करना आपने, आपने यहाँ पे गेट आइडियाज देखने। जब आप रिजवान, जब आप लोकल एसईओ कर रहे हो तो लोकल एसईओ में जिस सिटी में आपकी कंपनी है आपने उस सिटी को टारगेट करके सर्च करना है, ठीक है। जब आप लोकल एसईओ नहीं कर रहे, एक जनरल रिसर्च कर रहे हो कीवर्ड्स की, देन आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और एक कंट्री के अंदर जो जो लोकेशंस आ रही हैं, जो जो चीज़ें आ रही हैं वो सर्च करनी है। जैसे हमने अभी यूनाइटेड स्टेट्स देखा, उसमें हाउ टू गेट रिड के रिलेटेड, हाउ टू गेट रिड एग्जैक्टली सर्च करने वाले 1900 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ये लो लिखा है कि आप इजीली रैंक कर सकते हो, मतलब लोग यही समझते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं क्या चीज़ है। अगर आप नीचे आए तो नीचे ये रिलेटेड चीज़ें दिखाता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ बेड बग्स, ये पहले गूगल में भी आ रहा था, इसकी 14,800 सर्चेज हैं और हाई कंपटीशन बता रहा है 461 रुपीज़ इसकी बिड है, इस पर भी बात करेंगे क्या चीज़ है। हाउ टू गेट रिड ऑफ बेड बग्स, यहाँ पे सिर्फ गेट रिड लिखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से इस टूल के अंदर डाल देता हूँ और इसको नैरो डाउन करते हैं कि अब इसके रिलेटेड बताएं यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके जी, अब आ गए जी डिफरेंट कीवर्ड्स जो कि उसके रिलेटेड हैं आपके गेट रिड ऑफ बेड बग्स। अब अगर यहाँ पे आए तो बेड बग बाइट्स, इसका आप देखें 5,50,000 सर्चेज हैं और यहाँ पे लो लिख रहा है। ये कंपटीशन ये होता है कि सर्च इंजन में जो एसईओ के अंदर कंपटीशन होता है वो ये होता है कि आपको टॉप नंबर वन पे आने के लिए कितना जतन करने पड़ेंगे या कितने की एसईओ करनी पड़ेगी, कितना टफ है, वो कंपटीशन होता है। लेकिन गूगल एडवर्ड्स के अंदर कंपटीशन वो होता है कि जब आप गूगल के अंदर ये कीवर्ड सर्च करेंगे और ऊपर एड शो हो रही होगी तो वो आपको पता होगा ना, आपकी सर्च के ऊपर एड शो होते हैं, 3-5 एड आते हैं, उन एड की भी रैंकिंग होती है। आपने उस एड में नंबर वन पे आना है, उस एड में नंबर टू पे आना है या उस एड में नंबर थ्री पे आना है, उसका कंपटीशन ये बताता है गूगल एडवर्ड्स, ठीक है। गूगल एडवर्ड्स रैंकिंग का कंपटीशन नहीं बताता कि गूगल में जो टॉप 10 के ऊपर सर्च रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या रैंकिंग है उनकी, ये सिर्फ आपको एड की रैंकिंग बताता है। जी बिलाल, पीपीसी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं, मैं अभी पेपर जो है इसके ऊपर नहीं जा रहा, पीपीसी पे या पेपर को इसके क्लिक स्क्रीन पे नहीं जा रहा। जी, मैं जस्ट गूगल में टॉप पे जो एड्स शो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो किस वे से शो हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, पीपीसी है या जो भी है व्हाटएवर। एडवर्ड्स मैंने शुरू में ही बता दिया कि वो सर्च इंजन मार्केटिंग टूल है और उसमें लोग आके एड लगाते हैं और ये टूल डिज़ाइन हुआ है गूगल के ऊपर एड शो करने के लिए, ये टूल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, वो तो हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि कीवर्ड क्या है और उसकी सर्चेज क्या हैं, हम सिर्फ इससे डाटा लेते हैं। ओके जी, अच्छा यार दिखा भी देता हूँ, प्लम्बर इन ओके। ये मैंने अभी बात की कि एडवर्ड्स का कंपटीशन होता है, ये मैंने प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सर्च किया तो आप देख रहे हो एडी लिखा है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, इसके नीचे आप आएंगे तो ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, इनके साथ ऐड नहीं है, ये वेबसाइट्स हैं जो कि रैंक हैं, सही। तो वो जो कंपटीशन यहाँ पे शो हो रहा है वो इन एड्स का हो रहा है कि आपने अगर इन चार में से नंबर वन पे आना है तो वो लो है या हाई है, या इन एड्स में से आपने नंबर टू पे आना है तो क्या कंपटीशन हो सकता है, आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे,
और कितना टफ है। अगर तो लो है तो आप इजीली नंबर वन पे आ सकते हो। इन चार पोजीशंस की बात हो रही है एड्स की।